गुरुदेव श्री श्री रविशंकर 31 ऑक्टोबर थी 4 नवंबर सुधी गुजरात नी मुलाकात है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु अने आर्ट ऑफ लिविंग ना स्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर 31 ऑक्टोबर थी 4 नवंबर दरमियान गुजरात नी मुलाकाते आवी रह्या छे। आ दरमियान तेओ अमदावाद, वासद अने सूरत मां दिवाळी अने नवा वर्ष निमित्ते आयोजित विविध कार्यक्रम मां उपस्थित रहेशे। गुरुदेव श्री श्री रविन्द्र शंकर नी आ मुलाकात तहेवारोनी उजवणी दरमियान योजाई रही छे, जेमां तेओ पण घणा पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठानो, वर्कशॉप अने कार्यक्रमनुं नेतृत्व करशे। आ कार्यक्रमनो आनंद अने उत्सवनी भावना साथे लोको साथे लाव आयोजित करवामां आव्यो छे। तेओ 31 ऑक्टोबरना रोज अमदावाद पहोंचशे तथा कर्णावटी क्लब खाते सांजे 6-8 दरमियान दिवाळी स्पेशल महालक्ष्मी होम अने चोपड़ा पूजननी विधिमां भाग लेशे। और हम एक सीट द अर्थ करके प्रोग्राम करने जा रहे हैं SVIT वासद जो यूनिवर्सिटी है उसके ग्राउंड पे हो रहा है इवेंट, जहाँ पे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ, जिसके अंदर एक घंटे के अंदर 2.5-3 लाख हम लोग सीट बॉल्स बना रहे हैं। और ये सीट बॉल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वी विल प्लांट एंड ग्रो, लेकिन एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं पूरे विश्व को कि हम घर बैठे भी कुछ प्लांटेशन का काम कर सकते हैं। मिट्टी, खाद और बीज को लेके हम सीड बॉल बनाएंगे। थोड़ा सा विस्तार में बताऊं तो 2 भाग मिट्टी का, 1 भाग कंपोस्ट का, और कुछ बीजों को अंदर डाल के बॉल बना के उसको हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत आसानी से चीज़ें मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर बीज है जो जिसका इश्यू रह सकता है कि आपको चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारे राज्यपाल जी आचार्य देवव्रत जी और गुरुदेव दोनों स्टेट पे आएंगे और आगे का कार्यक्रम वो लोग आगे प्रोसीड करेंगे। 1 नवंबर ना रोज गुरुदेव श्री श्री रविशंकर पर्यावरण अने संरक्षण ने प्रोत्साहन आपवा माटे महत्वपूर्ण पहल मां सामेल थशे। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन वासद मां SVIT कैंपस खाते सीड द अर्थ कार्यक्रमનું આયોજન કરશે, જેમાં 5,000થી વધુ લોકો ભેગા મળીને 100થી વધુ પ્રજાતિના 2.5 લાખ સીડ્સ બોલ તૈયાર કરશે તથા હરિયાળા ભારતની રચનામાં યોગદાન આપવાનો કાર્યક્રમ યોજાશે। આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ 2 વર્લ્ડ રેકોર્ડ, સૌથી વધુ સીડ્સ બોલ બનાવવાનો તથા સીડ્સ બોલ ટ્રેનો ઉપયોગ કરીને સૌથી લાંબુ સ્લોગન બનાવવાનો છે। ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેનાર છે। 2 નવેમ્બરના રોજ શ્રી શ્રી રવિશંકર નવા વર્ષ વિશે ગોવર્ધન પૂજામાં ભાગ લેશે, જ્યારે 3 નવેમ્બરના રોજ ગુરુદેવ સુરતમાં આશીર્વાદ મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહેશે, જ્યાં જ્ઞાન અને ધ્યાનનું અભૂતપૂર્વ મિશ્રણ જોવા મળશે। 4 નવેમ્બરના રોજ તેઓ રુદ્ર પૂજામાં ભાગ લેશે। આમ શ્રી શ્રી રવિશંકર જેઓ ગુજરાતની મુલાકાત લઈ વિવિધ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપનાર છે। દર્શક મિત્રો, આ હતા ત્યાર સુધીના સમાચાર। સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપની હાજર રહો SLive News Bulletin। નમસ્કાર।